हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार, मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं, जो दोस्तों हेनरी का नियम है। जो दोस्तों अब की बार यह जो क्वेश्चन है बनने वाली है एकदम परफेक्ट, तो आप लोग दोस्तों ये पूरा देखे। अगर इसका सदस्य नहीं बने हैं तो बगल में रेड कलर का बटन है, उसको उसको क्लिक सीवर दबाइए और बगल में घंटा आएगा, उसको ट्रांसीवर बजाइए और वीडियो प्रकट होने का लाभ पाइए। चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग इसका सदस्य बन गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे आपका भी लाभ है। तो देखिए दोस्तों, हेनरी का नियम, बात समझ रहे, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। हेनरी ने कहे थे, जानते हैं हेनरी ने क्या कहे थे? हेनरी ने कहे थे कि पदार्थ के द्रव्यमान और दाब के बीच जो है संबंध स्थापित किए थे। हेनरी साहब जो जी है, कौन साहब? हेनरी साहब जी जो कहे थे कि पदार्थ के द्रव्यमान और दाब के बीच जो है एक संबंध स्थापित होता है, जिन्हें हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। और उनका नियम किस प्रकार है सो देखिए फटाफट। तो दोस्तों उनका नियम क्या है? तो नियम इस प्रकार है, नियत ताप पर, नियत ताप मतलब ताप जैसे का तैसा, नियत ताप पर किसी दिए गए द्रव के आयतन में, नियत ताप पर किसी दिए गए द्रव के आयतन में, यानी कि मान लीजिए कि हम नियत ताप को रख करके उस पर जो है वो सस्पेंड में पानी चढ़ा दिए, एक लीटर पानी, बस हो जाए, तो द्रव मतलब पानी हो गया। आयतन में घुले गैस की मात्रा, यानी कि द्रव में जो गैस की मात्रा घुला हुआ होता है, वह जो है आरोपित दाब पर निर्भर करता है। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि द्रव का आयतन में घुले गैस की मात्रा m आरोपित दाब p के सीधा समानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह हम क्यों दे दिए हैं उसके बारे में मैं समझाता हूं। जब भी निर्भर करता है समानुपाती या निर्भर नहीं करता है तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, बस समझ रहे हैं। समानुपाती के मतलब होता है निर्भर करता है, व्युत्क्रमानुपाती के मतलब निर्भर नहीं करता है, वह विरोध करता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब विरोध, समानुपाती मतलब, समझ रहे हैं ना, निर्भर करता है। तो नियत ताप पर किसी दिए गए द्रव के आयतन में घुले गैस की मात्रा आरोपित दाब पर निर्भर करता है, अर्थात एम समानुपाती पी जब ताप नियत हो तब। अब हेनरी साहब के जो मित्र डाल्टन साहब जो है, कौन सा है? डाल्टन साहब, कौन सा है? डाल्टन साहब। सो क्या कहे थे सो देखिए, हेनरी के मित्र डाल्टन ने बताया कि, तो इतना तो बताया कि, और इसमें भी अनियता पर, इसमें भी अनियता पर, तो इसमें जो है दिए गए द्रव के आयतन में, और इसमें कह रहा है कि नियतता पर विलयन में किसी गैस का आंशिक दाब, किसी गैस का आंशिक दाब, बस समझ रहे, इसमें भी घुले गैस की मात्रा कह रहा है और इसमें आंशिक दाब कह रहा है। तो विलयन दिए गए नियतता पर विलयन में किसी गैस का आंशिक दाब, उस गैस के दोस्तों क्या कह रहा है कि उसी गैस का के मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होती है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों क्या कह रहा है, इसको क्लियर मैं एक बार और कर देता हूं कि नियत ताप पर विलयन में किसी गैस का, यानी कि विलयन में जो कुछ भी गैस है उसी गैस का आंशिक दाब पी, बस समझ रहे हैं, आंशिक दाब पी, उस गैस के मतलब जो गैस उसमें घुला हुआ है उसी गैस के मोल प्रभाव, यानी चाइल्ड गैस मोल प्रभाव, उसी गैस के मोल प्रभाव सीधा समानुपाती होता है। यानी कि आंशिक दाब सीधा समानुपाती गैस का मोल प्रभाज, यानी पी समानुपाती चाइल्ड गैस, भी इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों इसमें कि पी बराबर के एच इंटू चाइल्ड गैस, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे सो ध्यान दीजिए, बात समझने वाली बात है कि जब भी हम लोग समानुपाती नियतांक हटाते, तो जब भी हम लोग समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक देते हैं, तो के एक नियतांक है, लेकिन कौन सा नियतांक? तो हेनरी के नियम के अंतर्गत तो इसमें एच हो गया, तो के एच, तो जहां के एच एक नियतांक है जिसे हेनरी का नियतांक कहते हैं। और ध्यान दीजिए के एच जैसे के तैसे,
तो इधर चाइल्ड गैस गुना में है तो इस तरफ पी के बाटा में आ जाएगा, तो केच जैसे के तैसे, और ये जो है किसके बाटा है पी के बाटा में आ गया, यानी केच बराबर पी वाई चाइल्ड गैस। ये सभी हेनरी नियतांक के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि निम्न में कौन सा हेनरी के कथन सत्य है, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और ये भी सत्य है, और ये भी सत्य है, हिंदी में भी सत्य है, संकेत में भी सत्य है। यानी कि पी समानुपाती चाइल्ड गैस या पी बराबर केच इंटू चाइल्ड गैस या केच बराबर पी वाई चाइल्ड गैस, ये सभी कथन सत्य है। तो केच एक नियतांक है जिसे हेनरी का नियतांक कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को यह सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, लेकिन आप अपने फायदा के लिए दोस्तों बगल में रेड कलर का बटन है उसे अवश्य क्लिक करें, और घंटा भी अवश्य दबा दें, क्योंकि मैं जैसे जैसे वीडियो डालूंगा वैसे वैसे आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को यह कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए कि मुझे कैसा लगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो अवश्य आप लोग कीजिएगा कि मुझे कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो मैं पुनः इसको समझाने का प्रयास करूंगा। बस समझ रहे हैं, ये तो ऐसी तो बात नहीं ना कि जो कोई भी घोर का पिला देता है किसी को, ऐसा तो बात नहीं दोस्तों, केवल मेरा क्या था कॉन्सेप्ट क्लियर करना था आप लोगों का, तो मैं जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर किया हूँ, तो आप लोग को अगर क्लियर नहीं हो पाया हो तो अवश्य कमेंट कीजिए कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं पुनः इस पर फिर से वीडियो बना करके आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना मैं प्रयास करूंगा करने का। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।